अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने लाइव आया हूँ। पालघर की जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। हमारे साधु संतों को शहीद कर दिया गया एक भीड़ तंत्र में। क्या भीड़ तंत्र को अधिकार हो गया है कि वो अपना आप फैसला कर ले? इस चीज को बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है और ये इतनी आम हो गई है कि जिसका जी चाहे जहां चाहे वो किसी को भी मार सकता है। नहीं, ये गलत है। जब तक अब जैसे हमारे साधुओं को शहीद कर दिया गया, मुसलमानों को आगे आना चाहिए। हम आगे आ रहे हैं और हम इसकी घोर निंदा करते हैं, और जिन लोगों ने ये जुल्म किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। और मैं गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सलाम करता हूं कि उसने बहुत तेजी से, जो आज का सबसे ज्यादा तेज काम हुआ है, जो अब से पहले नहीं हुआ है, 110 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है ऐसे ही, और अरेस्ट करने के बाद जमानत नहीं होनी चाहिए इन लोगों की, इन पे इनका कठिन कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। और मेरे प्यारे भाइयों, जब तक हमारे दिल में, अगर हमारे साधु संतों को मारा जाएगा, हिंदू को मारा जाएगा, जब तक मेरे दिल में अगर दर्द नहीं होगा, और जब मुसलमानों को मारा जाएगा, दलितों को मारा जाएगा, सिखों को मारा जाएगा, जब हिंदुओं के दिल में दर्द नहीं होगा, तो मेरे प्यारे भाइयों ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। पर क्या करें, कहीं मुसलमान को जब मार दिया जाता है तो ये खुश होते हैं, कहीं हमारा थोड़ा ही मरा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब हिंदुओं को मार दिया गया मॉब लिंचिंग में तो मुसलमान खुश हो जाए? नहीं, हम दोनों को एक होना होगा। जब एक होंगे ना तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। और जो सह देती हैं सरकारें, जो इन चीजों को करते नहीं, नहीं कोई बात नहीं, उनको छूट देती हैं, ये सारी गलत बात है। आज से पहले भी बहुत मॉब लिंचिंग हुई है। मैं सलाम करता हूं सुबोध सिंह इंस्पेक्टर साहब को कि अपने आप शहीद हो गए, पर उस मसले को बढ़ने नहीं दिया। और जो हमारे शहीद, चाहे वो झारखंड के तबरेज अंसारी हो, चाहे अखलाक हो दादरी के, चाहे पहलू खान हो, चाहे कासिमो भजेड़े पलखवा से यूपी से, और ये चाहे हमारे ये पालघर के जो हमारे साधु संत हैं ये हो, ये सारी की सारी बहुत गलत बातें हैं। जिन लोगों ने इस काम को किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और कठोर कानून बनना चाहिए। कानून हमारा अच्छा है, कानून सजा दे सकता है, पर कहीं ना कहीं हम छूट देते हैं। आज पूरा देश कोरोना से परेशान है, कोरोना से जूझ रहा है। डॉक्टर ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी है, पुलिस वालों ने जिंदगी दांव पर लगा रखी है। एक इंसान को बचाने के लिए कितने सारे डॉक्टर लगे हुए हैं, इनकी कुर्बानी को सलाम करना चाहिए हमें। और क्या करते हैं कि भीड़ आई, उन साधुओं को, संतों को मार दिया गया। एक इंसान को बचाने के लिए कितना पैसा खर्च होता है, एक इंसान को बचाने के लिए कितनी परेशानी है। आज सारे देश परेशान है। बस क्या होता है, ये सब गलत बात है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम कहते हैं मुसलमान भाइयों से, बढ़ चढ़ कर आगे आओ, जो इस काम को करे गलत करे उनको समझाओ और इन्हें पकड़कर पुलिस को दो। किसी को कोई इंसाफ अपने आप ना करे, हमारा कानून करेगा। और हम सलाम करते हैं महाराष्ट्र सरकार को कि उसने बहुत तेजी से इस काम को किया और उन 110 लोगों को पकड़कर अरेस्ट किया गया और उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। बस मेरी यही आपसे दरखास्त है, हम अगर हिंदू का अगर खून निकले और मुसलमान के दर्द हो, और मुसलमान के अगर खून निकले तो हिंदू को दर्द हो, इन दोनों के खून निकले तो सिखों को ईसाइयों को दर्द हो, तो मेरे प्यारे भाइयों जब जाकर ये मॉब लिंचिंग खत्म होगी, आपस में हमें प्यार आम करना होगा। ये नहीं कि उसकी सरकार में हुआ उसको बदनाम करने पर लग गए, उसकी सरकार में हुआ उसको बदनाम करने पर लग गए, ये गलत है। विपक्ष में बैठकर सोच लिया करो, जो विपक्ष में बैठे लोग हैं ना, वो सोच लिया करो कि हम क्या कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए लोग करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, ये मॉब लिंचिंग जो चल रही है इसकी विरोध करो, इसका विरोध करो और खत्म करो इसे, मॉब लिंचिंग वाले लोगों को, जो ये लोग हैं इन्हें पकड़ पकड़ के, जो नफरत फैलाते हो इन्हें पकड़ पकड़ के गवर्नमेंट को दो कि ये नफरत फैलाता है, ये नफरत फैलाता है। प्यार को आम करो, तरक्की हो। अस्सलाम वालेकुम।